अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम सबको। मस्जिद के वजू करने की जगह, मस्जिद की एंट्रेंस माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। तो जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मस्जिद के इंटीरियर में। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं मस्जिद के बाहर वाली साइड पे। ये मस्जिद का मेन एग्जिट है जहाँ से दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम सबको। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत जगह मस्जिद से। ये मस्जिद दुबई के बिजनेस बे एरिया में मौजूद है। बिजनेस बे एरिया दुबई का काफ़ी अच्छा खासा खूबसूरत और महंगा एरिया भी है। यहाँ पे सारे ऑफिसेज, सब बिल्डिंग वगैरह काफ़ी यहीं पे है सब कुछ। ये माशाल्लाह साथ में इस मस्जिद की पार्किंग है। लाइटें ये माशाल्लाह अभी तक ये चली हुई है क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा है अंधेरा मस्जिद की। जैसे ये सूरज की रोशनी आएगी ये लाइटें बंद कर देंगे। ये इस मस्जिद के साथ ये इसकी पार्किंग है। साथ में इसी बिजनेस एरिया में ये अपना इनका ये बे एवेन्यू मॉल है। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट, ये टावर्स सब कुछ है। ये वाला ये सामने टावर्स के नीचे यहाँ पे एक बहुत बड़ा बे एवेन्यू मॉल है। ये सब इसकी पार्किंग पड़ी है। चले आपको मस्जिद का चारों तरफ से विज़िट करवाते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह मस्जिद के अंदर भी जाएंगे। ये सब कुछ इन्होंने ये माशाल्लाह लाइटें लगा के इन्होंने बहुत खूबसूरत एक मस्जिद की बड़ी लुक बनाई हुई है। वाइट कलर लगाया हुआ है तो कलर क्या है बाकी, ये तो टाइलें लगी हुई हैं। काफ़ी मेहनत की हुई है मस्जिद पे। चारों साइडों से दिखाते हैं आपको मस्जिद। ये देखिए ये लाइटें इन्होंने ज़मीन में फिक्स की हुई हैं। यही लाइटें फिर ये ऊपर इस मस्जिद की दीवारों में पड़ती हैं। तो ये साइड पे इन्होंने ये पौधे लगा के पोस्टर लगाए हुए हैं। मस्जिद की लुक अच्छी बन जाती है। ये जो जगह है ये इमाम के लिए बनाई हुई है। यहाँ से इमाम आता है माशाल्लाह नमाज पढ़ा के चला जाता है। ये इसका जो मस्जिद की सफाई वगैरह के लिए बना रखा हुआ है ये उसका रूम है। उससे अलग एक रूम दिया हुआ है। ये एक मस्जिद की एंट्रेंस है। ये साइड को भी ये माशाल्लाह लाइटें इन्होंने लगाई हुई हैं। बड़ा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा व्यू जो बना हुआ है। ये सब कुछ ये मस्जिद कह रही है। ये सामने वाला यहाँ पे मस्जिद के वजू करने की जगह, लोग आते हैं वजू करते हैं इधर। ये ऊपर इन्होंने ये बनाई हुई है कि अगर कोई बारिश धूप हो तो लोग आराम से बैठ के वजू करें, कोई मुश्किल ना हो। ये सब कुछ यहाँ पे ये बाहर भी ये नमाज पढ़ सकते हैं। ये जो सब एरिया है यहाँ से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये मस्जिद का वजू की जगह, यहाँ से जाना है वाशरूम से भी इधर है। मस्जिद के वजू की जगह भी इधर है। वजू करें, वजू करके अपना इस साइड को आए। अभी आपको मस्जिद की एंट्रेंस दिखाते हैं। मस्जिद की एंट्रेंस माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। बहुत ही प्यारी बनी हुई है। ये मस्जिद की एंट्रेंस है। ये एक मीना, ये दूसरा। ये आपको ये कैमरा इस साइड को करके दिखाते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद की एंट्रेंस बनाई हुई है। ये आपको हम मुकम्मल दिखाते हैं अभी। ये जो सामने वाले दरवाजे हैं यहाँ से अंदर चले जाने, जाके माशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। ये मस्जिद की वो साइड जहाँ से हमने व्लॉग साइड स्टार्ट किया था, एक साइड से स्टार्ट किया था, ये अब घूम के दूसरी साइड पे आ गए हैं। ये सारा इसका व्यू कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये इसकी एक साइड है, बाकी चारों साइडें आपको दिखा दी। अभी चलेंगे इस मस्जिद में, एंटर होंगे। ये मस्जिद के एंट्रेंस से बाहर जो एक बरामदा सा बना होता है ये उसका फ्लोर है। ऊपर फनूस लगाया हुआ है। ये साइड की दीवारें माशाल्लाह जितना खूबसूरत कह सके ना कि उतना ही है, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी हुई। फुल माशाल्लाह जितनी मेहनत हो सकती थी, जितनी हो सकती थी उतनी की है। ये इसका मेन एंट्रेंस, यहीं से अपने मर्जी में आना जाना है।
ये बंद किया हुआ है, चलो दूसरा दरवाज़ा ट्राई करते हैं, ये ज़रूर खुला हुआ, क्योंकि ये है कि ये सब दरवाजे नहीं ना खोल सकते। तो जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मस्जिद के इंटीरियर में। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितना इसका आउटसाइड था खूबसूरत, उससे कहीं ज़्यादा इसका इंटीरियर है। और इंटीरियर की खास बात यह है कि इन्होंने कम्बिनेशन ये बहुत अच्छा किया हुआ है। नीचे ये ब्लू कलर का ये जो क्लीन किया हुआ है, इसके ऊपर ये डिज़ाइन है, इसका कम्बिनेशन किया हुआ जो छत का डिज़ाइन है वो ऊपर आप देख सकते हैं, सीलिंग के साथ उन्होंने मैचअप किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी आपको दोनों साइडों का व्यू दिखाते हैं, उसके बाद ये जो छत के ऊपर अभी जो आप ये व्यू आपके सामने जो छत नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। ये नहीं है कि बस ऐसे हल्का फुल्का सा, नहीं, ये सेम पूरे छत का डिज़ाइन आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे का सारा मैच किया गया है। जो नीचे माशाल्लाह से ये ब्लू कलर का क्लीन और उसके ऊपर ये जो डिज़ाइन बना हुआ है सेम उसके साथ मैच किया गया है। और ये अभी हम पहुंच चुके हैं मस्जिद के बाहर वाली साइड पे, ये मस्जिद का मेन एग्जिट है जहाँ से हम नमाज़ पढ़ के बाहर निकलेंगे। ये व्यू मैं आपको पहले भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू है ये आपको दिखा चुका हूँ। यही इसका मेन एग्जिट, एंट्रेंस भी यहीं से है, एग्जिट भी यहीं पे है, यही मेन एग्जिट पे सामने रोड है। ये माशाल्लाह साफ फुल जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे जब जुमा नमाज होता है या ईद की नमाज होती है तो यहाँ पे भी सफ़ेद बिछा के नमाज अदा करते हैं। काफ़ी माशाल्लाह खुली जगह छोड़ी हुई है। तो एक बार फिर आपको मस्जिद के बाहर वाली साइड भी कहते हैं, और इंशाल्लाह यहीं पे आज का व्लॉग हमारा ख़त्म होगा। ये जहाँ से हमने एक साइड से स्टार्ट किया था, मैंने कहा चले एक साइड पे चले जाएँ, एक दफ़ा मस्जिद का जो फ्रंट व्यू है वो बिल्कुल सामने आ जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही यूनिक फ्रंट बनाया हुआ है इन्होंने। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये मेरा व्लॉग सबको पसंद आया होगा, सब इंशाल्लाह इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और बहुत ही जल्द जल्द आपके स्पॉट के साथ मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। उसमें एक न्यू लोकेशन होगी, न्यू उसमें जो भी कंडीशन होंगी वो सब आप लोगों के साथ क्लियर करूँगा, आप सब आप लोगों को बताऊँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।